अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर निज़ाम गुड फॉर्म। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमान निज़ाम गुड फॉर्म, जो सिचुएटेड है वट्टापल्ली बीबी का चश्मे पर। यहाँ पर प्रिंस होटल है, होटल के ऊपर ही सेटअप रहेगा आपको। तो देखिए, आज से ये पहला वीडियो है जिसमें एक बहुत प्यारी दूध की बकरी है जो अपने नर बच्चे के साथ है। ये वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो देखिए, 24th से वीडियो है जिसमें एक दूध की बकरी है, माशाल्लाह बहुत। देखिए आप, काफी छोटा भी देखिए, और एक नर बच्चा है जो बिल्कुल खूबसूरत है। देखिए माँ का दूध पीता हुआ, काफ़ी दूध की बकरी है भाई। तो इस वीडियो में छोटी सी आपको अपडेट भी दूंगा इंशाल्लाह, उससे भी देखिए आप लोग के काम आएगी। देखिए आप एक बात जहन में रखिए, जब आपकी बकरी बच्चे देने के करीब होती तो चंद चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है, ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग भी ख्याल करिए उस चीज़ का। अब इस बकरी का भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बकरी 3 बच्चे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भाई थे बहुत प्यार से पाले इसको, काफ़ी केयरिंग कर रहे थे। आप देखेंगे देसी बकरियों के बाल नहीं निकालते, 500 रुपीज़ दे के बाल निकाले इसके। खुसूसन मेरे से कॉन्टैक्ट किए, बाल निकालने वालों का नंबर वगैरह लिए थे, क्योंकि बच्चे देने वाली थी, बहुत केयर कर रहे थे भाई, लेकिन वो कहीं और रखे थे। तो हुआ क्या, ये जब बच्चे दी तो कहीं हमाम में बंद कर दी उसको, तो रात में कोई केयर नहीं करे, बच्चे पानी में आ गए और 2 बच्चे ज़ाया हो गए, तो एक बच्चा बचा। तो बोलने का मकसद ये है कि भाई जब आपकी बकरी बच्चे देती है तो आप लोग एक बेसिक केयरिंग होनी चाहिए, कि अगर आप काफ़ी जानवरों में अगर उसको रखते हैं, या 8-10 जानवर है आपके, नहीं या 5-6 है, तो जब बकरी बच्चे देने के करीब होती है आपको महसूस हो जाता है, तो उसको जितना हुआ कोशिश करिए आप अलग बनिए, और जो पानी वानी होता है टब वगैरह वो चीज़ें हटा कर रखनी चाहिए, क्योंकि बकरी परेशान होती है, बच्चे जब देती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग जो बेसिक चीज़ें होती है वो जहन में रखिए, करने चाहिए। बकरी अगर बच्चे देने के करीब आ गई तो आप बिल्कुल उसकी केयरिंग करिए, और दूसरे बकरियों से थोड़ा हटा कर रखिए तो बेहतर रहेगा। और आप जब भी क्रॉसिंग कराए, देसियों में तो होती नहीं, लेकिन अगर आपकी नज़र पड़ती है क्रॉसिंग हुई तो आप डेट लिख के रखिए, उससे आपको आसानी ये होगी कि बकरी की डेट मालूम होगी आपको कब दे सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है बकरियों का 5 महीने 5 दिन मैक्सिमम होता, यानी कि कोई बकरियां 5 महीने में देते, कोई 1-2 दिन पहले देते, या कोई 5 महीने 3 दिन, मैक्सिमम जो होता 5 महीने 5 दिन, उससे काउंट करेंगे तो आप 150 दिन होते हैं, 155 डेज होना चाहिए। तो देखिए बोलने का मकसद यही है कि आप लोग केयरिंग करिए जानवरों की, जब बच्चे देते हैं बच्चों को अच्छी तरह पोछना चाहिए, उसके बाद में मालूम करिए जो हल्लक का पानी होता है, ज़रा बच्चा ले ले, जो हल्लक का पानी होता है बास खुद पे अंदर पेट में पी लेते पानी, तो उससे बीमारी होती है, जानवर फिर प्रॉब्लम करते। तो बच्चों को भी आप जो होता है ये हल्लक का हिस्सा, इसको आप सूखा कपड़ा डाल के लाइट कच्चा करके अंदर हल्लक में उंगली डाल के आप पोछ सकते हैं, जिससे उसकी गंदगी जो मुँह में गई निकल जाएगी। तो और बच्चों को पोछना चाहिए अच्छी तरह। और तो ये देखिए भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, दूध भी काफ़ी है बकरी में, और एक तरह का दूध पी रहा है बच्चा, ज़रा पकड़ो भाई। एक बच्चा होने से ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे थनों में आप जब दूध नहीं निथारते तो इनको दर्द शुरू होता है। ये देखिए दूध आ गया, दर्द होना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से एक तरफ से दूध पी लिया बच्चा, एक तरफ थन खा ली है, क्योंकि जब मुँह बड़ा छोटा होता है, थन बड़ी थन को मुँह में नहीं ले सकता वो, उस वजह से वो एक ही थन से पीते जाता है, और वो थन अगर आप दूध नहीं निथारते तो ख़राब हो जाती है। तो मेहरबानी ये चीज़ों का जहन में रखिए आप। और एक फ़ोन भी काफ़ी टाइम से आ रहा है भाई। तो ये 9,300 रुपये में बकरी देना है, जो दूध की बकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेहतर बकरी है बोलूँगा मैं। आप अपने बच्चे को भी पिला लेगी, एक्स्ट्रा भी दूध आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने कोई घर के बच्चों को भी पिलाएंगे ये दूध तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये बकरी भी देखिए बहुत बड़े ताने बाने की, बाल निकालने के बाद इतनी बड़ी बकरी है, और दूध भी माशाल्लाह दूध है, बच्चा एक तरफ से पीते जा रहा है जब से, उसमें भी काफ़ी दूध है। तो अगर आप एक थन से बच्चा पीता तो एक थन का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 9,300 रुपये में देना है, तो जिस किसी को भी चाहिए जल्द से जल्द हासिल कर लीजिए, जो दूध की ज़ायद ज़रूरतमंद है उनके लिए भी बेहतर है भैया। चलिए बकरा भी वाइट आइज़ में है भाई, मेल है देखिए, ये मेल बच्चे के साथ, ज़रा ले लो भाई हाथ में, बहुत प्यारा बच्चा है भाई, बहुत प्यार से पाले भाई, ज़रा औंट से दे दे रहे गुस्से से, क्योंकि 2 बच्चे ज़ाया हो गए, बालक सी बात है, बहुत मेहनत करे थे। आप देखेंगे देसी को भी कोई कटिंग नहीं कराते भाई, देसी को भी कराए, और चिकनी है बहुत बकरी। 9,300 रुपीज़ है, जो भी मुतमईन है मेरे गूगल पे कर सकते हैं भाई। अल्लाह हाफिज़।